आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी बेमोहताज पूरा पातशाह
ਜਗ ਸਾਚਾ ਵਿਸਾਹਾ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਗ ਜੋਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜੀ ਹੋਈ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 184 ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾਕੇ ਹੈ ਹਾਥ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾਕੇ ਹੈ ਹਾਥ, ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਅਨਾਥ ਜਿਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਥ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨੋ, ਐਸੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ
अकाल पुरख का सिमरन करना चाहिए है, ता ही साडा कल्याण हो सकता है। सिमरन की है, सिमरन किवें करना चाहिए है, यह समझना बहुत जरूरी है। सिमरन बनया है स्मरण तो, स्मरण के अर्थ हैं याद करना। सो परमात्मा नूं याद करना, परमात्मा की याद दे विच जुड़ना सिमरन है। सिमरन अकाल पुरख की रहमत नाल हो सकता है। सिमरन दियां युक्तियां सतगुरु बख्शिश करते हैं, परमात्मा की रहमत नाल समर्थ सतगुरु नाल जिज्ञासु जन का मिलाप होता है। सतगुरु पातशाह अकाल पुरख की वडियाई बख्शिश करते हैं, परमात्मा के नाम की वडियाई कृपा दृष्टि करते हैं। नाल ही फिर जो सिमरन का महात्म है वह समझाते हैं, सिमरन किस तरह करना है, किवें करना है, यह उपदेश सतगुर पातशाह बख्शिश करते हैं। सिमरन के सिद्धांत के उपर आप जो तुकां का उपदेश है उसनों विचारण तो उपरंत आते हैं। सिमरन करन दे नाल परमात्मा की याद दे नाल जुड़न दे नाल की बख्शिश होंदी है। प्रभ चित आए सब दुख जाए। जेड़े जग्यासु जनन परमात्मा याद आउंदा है, जो मन करके परमात्मा की याद नाल जुड़दे हन, उन्हां दे जीवन दे विचों सारे दुख दूर हो जाते हैं। गुरबाणी दो प्रसंगा दे विच दुख का वर्णन करती है, दो प्रसंगा दे विच ही सुख का वर्णन करती है। जदों दुख लफ्ज जो बख्शिश हो रहा है गुरबाणी विच, इसके दद्दे नूं औंकड़ होवे, नाल खखे नूं भी औंकड़ होवे, उदों इसका अर्थ एक वचनी हो जाता है, सिंगुलर। इको ही दुख, सब तो वड्डा दुख जीवां दे वास्ते की है, सब तो वड्डा दुख है वार वार जन्म लैण दा, वार वार मरण दा, 84 लाख दे गेड़े विच रहण दा सब तो वड्डा दुख है, सब तो वड्डा सुख की है। परम आनंद सत स्वरूप परमात्मा दे नाल जुड़ जाना, आत्मा दा परमात्मा दे नाल अभेद हो जाना, परमात्मा दे नाम दी बख्शिश प्राप्त करते हुए मनुखा जीवन नूं जीउंदिया होया जीवन मुक्ति दी दात प्राप्त कर लेनी, ये सब तो वड्डा सुख है। इस तों इलावा मनुख दे जीवन दे विच होर भी सुख हैं, परमात्मा दी नाम दे बख्शिश दे अनेकां सुख हैं। संसार दे सुख साधन जो हैं वह भी अपनी किस्म दे सुख हैं। हर मनुख दे जीवन दे विच उसका यतन ही हुंदा है उसनू खुशी की प्राप्ति होवे, उसनू सुखां की प्राप्ति होवे। जो संसारक सुख हैं परमात्मा बख्शिश करता है, पर संसारक सुख नाल निभण वाले नहीं होया करते आत्मा दे। आत्मा दे नाल निभण वाला केवल ते केवल परमात्मा दे सच्चे नाम का सुख है।
दुख सब तो वड्डा दुख जन्म मरण का, इस तों इलावा हर मनुख की परालभ के अनुसार, हर मनुख के पूर्वले कर्मों के अनुसार जीवन में सुख आते हैं दुख आते हैं। जो दुख जीवन में आते हैं उन्हां दी दीर्घ विचार की जाए तो गुरबाणी उन्होंने तीन ताप कहती है। तीनों ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, तीन ताप हैं आद व्याद ते उपाद ताप। आद ताप असी पहला भी कई बार गुर शब्दों के प्रसंग में विचार कर चुके हाँ, चिंता के कारण फिक्र के कारण तनाव के कारण स्ट्रैस के कारण स्ट्रेन के कारण मन के उपर अनेक किस्म के जो बोझ चुकी फिरता है मनुख, उन्हां दे कारण जो मानसिक रोग बनते हैं जीवन के विच, जिन्हां नूं असीं मेंटल एलिमेंट्स कहिंदे हां, वो जो दुख हैं वो आद ताप हैं। जो शरीर की भौतिकता के प्रसंग दे विच सानू कोई बीमारी लग जाए, कोई सट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, जो शरीर के नाल संबंधित दुख हैं वो व्याध ताप हैं। जो कष्ट मनुख नूं वातावरण दे विचों मिल जाण, वातावरण की गर्मी के कारण सर्दी के कारण बर्फ के कारण कुदरती आफतों के कारण हड़ां के कारण भुचाड़ां के कारण जां होर अनेक किस्म दीआं कुदरती आफतां हन उन्हां दे कारण उन्हां नूं उपाद ताप मन्या जांदा है। आद व्याद उपाद ते एक प्रसंग होर है उपाद ताप दा। मनुख जदों किसी दूसरे मनुख नूं माड़े बोल बोलता है, कौड़े बोल बोलता है, उन्हां बोलां दे कारण जो दुख पहुंचता है दूसरे मनुख नूं, वो दुख कई बार हथियारां दी मार तों ज़्यादा हुंदा है, तीरां दी बुछाड़ तों ज़्यादा दुखदाई हुंदा है। उसनूं भी उपाद ताप दे विच गिणिया जांदा है। आद व्याद उपाद इन्हां तीन तापां दा संताप, इन्हां दा दुख हर मनुख अपने अपने जीवन दे विच अपने अपने कर्मां दे अनुसार भोगदा है। जदों परमात्मा चित आउंदा है, परमात्मा दे पवित्र नाम दे नाल सुरती जुड़दी है, उदों मनुख दे सारे दुख दूर हो जाते हैं। पै सब बिनसे हर कै नाए, हरि दे नाम दा सदका, परमात्मा दे नाम दा सदका सारे भय विनाश हो जाते हैं। सब तो वड्डा डर मनुख दे मन दे अंदर जो व्यापदा है वो है मौत का डर। मरण लिखाए मंडल में आए, फीयर ऑफ डेथ चेत मन दे विच या अचेत मन दे विच मौत का डर हर मनुख दे मन दे अंदर वसदा है। मौत दे डर दे दो पक्ष हन, मौत तो केवल डरना, डर दे नाल अपनी सोच नूं विगाड़ना
ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਜੋ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਗਮ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰਕ ਭਾਉ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਰ। ਸੋ ਡਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਪੈ ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਨਖਤਰਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅਮਰ ਕਰਾਰਾ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਡਰਪੈ, ਡਰਪੈ ਇੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਏਕਾ ਨਿਰਭਉ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੋ ਸਦਾ ਸੁਮੇਲਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗਾਏ ਗੁਣੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਡਰ ਹੈ ਵਿਆਪੀ, ਬਿਨ ਡਰ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਸੰਗੀ, ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰਾ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੌਜ਼, ਠਹਿਰੋ, ਠਹਿਰਾਓ, ਰੁਕੋ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਾਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਕ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਵਿਆਪੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਆਉਣਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਸਰਿਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਜਾਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ?
तेरे मन के अंदरों सारे डर दूर हो जाएंगे ते तेनू परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी जो केवल परमात्मा के मिलाप के नाल बख्शिश होता है। जिन तारे बहुतरण आगास इस सुख दे विच नाम की शक्ति का प्रसंग है। नाम इज नॉट नेम ऑफ गॉड, नाम परमात्मा दे सच दी ओ शक्ति है जिस शक्ति दे नाल परमात्मा ने सारियां रचनावां नूं होंद विच लिआंदा है। कीता पसाओ एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ, सारा पसारा जो परमात्मा ने कीता है केवल एक कुआओ दे नाल एक शब्द दे नाल कीता है। शब्द है ओंकार, उस ओंकार शब्द की जो शक्ति है वो नाम है। नामे ही ते सब कुछ होआ, बिन सतगुर नाम ना जापै। नाम दे सहारे ही सारे ब्रह्मांड अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। नाम दे आसरे ही इस धरती का जितना पसारा है वो अपने हुक्मी सिलसिले विच चल रहा है। नाम दे आसरे ही यह सौर मंडल है, यह ब्रह्मांड है जिस दे विच यह धरती स्थित है, जिससे आपां अपना मनुखा जीवन माण रहे हैं। जिन तारे बहु तरण आगास, जिस परमात्मा ने आसरा बख्शिया होया है अनगिनत धरतियां अनेकां ही सौर मंडलां कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, जाकी जोत जी प्रगास। ओ परमात्मा जिसकी परम जोत अपनिया बनाईया हुई सारिया रचनावां दे विच सुभायमान है। परमात्मा एक ऐसा विलखण करता है जो भी रचना रचता है उस विच आप समा जाता है। तू सभनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो, सबना का दाता कर्म विधाता दुख विसारण हार जियो। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्व निरंतर सोए ते। परमात्मा मनुख दे अंदर वसदा है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। ओ जो पुरपुरा मनता हर पुरी विच वासा करन वाला, हर रचना दे विच वासा करन वाला परमात्मा है। ओ जो विलखण करता पुरख है उसकी जोत सारे जीवां दे विच सारी कायनात दे विच विराजमान है। बलिहारी कुदरत वसिया तिरंत न जाई रखिया, जाकी बख्श न मेटे कोई, हे जिज्ञासु जन ए भी चंगी तरह समझ, उस परमात्मा की कीती हुई बख्शिश नू कोई मेट नहीं सकता, परमात्मा की कृपा नू कोई घटा नहीं सकता। जिन्हां जिज्ञासु जीवां ते परमात्मा कृपा दृष्टि कर देवे उन्हां दा कल्याण हो जाता है। उन्हां दे कल्याण दे विच कोई घाटा नहीं पा सकता, क्योंकि जो परमात्मा दा नाम तन है वह कदे निखुटदा नहीं, कदे घटदा नहीं, उसका कदे नुकसान नहीं हुंदा, वह वधदा ही जाता है, लाहा दिंदा है जिज्ञासु जीव नूं जो परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़दा है। जाकी बख्श ना मेटै कोए, सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए। ये जिज्ञासु जन ऐसे अकाल पुरख वाहगुरु का सिमरन कर करके निर्भयता विच आ, मन के सारे डर जो हैं वो दूर कर। आठ पहर सिमरो प्रभ नाम,
दिन ते रात दे अठ पहर हन। गुरबाणी उपदेश करती है कि अठो पहर ही परमात्मा का नाम सिमरन करना चाहिए है। वह कैसी विधि है, वह कैसी बख्शिश है जिस नाल असी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हाँ कि अठो पहर ही परमात्मा का नाम जपया जाए। उस विचार से आप आते हाँ। अनक तीर्थ मज्जन इशनान, परमात्मा का पवित्र नाम जो है उसनू जो जपते हैं वह मानो कि अनेक ही तीर्थां का इशनान करते हैं। तीर्थ नहावण जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। परमात्मा का नाम जो 68 तीर्थ मिले गए हैं वेदांत के विच, उन्हां नालों भी कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बख्शिश भरपूर है। अनेक तीर्थ मज्जन इशनान, पार ब्रह्म की शरणी पाहे ये जिज्ञासु जन, ऐसे परमेश्वर की शरण तक, ओठ तक, कोट कलंक खिनमय मिट जाहे। उस परमात्मा की कृपा दृष्टि का सदका तेरे करोड़ा ही कलंक कटे जाएंगे। गुरु साहिब संगत, जन्म जन्म की इस मन को मड़ लागी काड़ा हुआ सिया। हर मनुख जन्मां जन्मांतरां दी मैल लैके संसार विच आउंदा है। कई बार मनुख ये सोचता है मैं तां जन्म तो लैके हुण तक सारे चंगे कर्म कीते हन, किसे नाल बुरा नहीं कीता है। पता नहीं क्यों नाम सिमरन करन लग्या सुरती टिकाओ विच नहीं आउंदी, मन कुराहे पैंदा है। पाठ करन लग्या मन दे विचारां आउंदियां हन, सिमरन करन लग्या मन दे विचारां आउंदियां हन। उसका कारण की है? वो साडी पूर्वली किरत दे अनुसार कर्म फल है। जिन्नी देर तक असी शीशे के सामने खलोते नहीं सानू अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होंगे। गुरबाणी दर्पण है, जदों असी सिमरन करते हाँ, पाठ करते हाँ, उदों गुरबाणी के दर्पण के सामने साडा मन होंदा है। फिर पता लगता है कि साडे मन दे विच किन्नियां वड्डियां किलविखां हन, किन्ने वड्डे कलंक हन इस मन दे विच। किलविखां नूं, पापां दे संग्रह नूं, कलंकां नूं परमात्मा का नाम बिल्कुल खत्म कर दिंदा है। किवें खत्म करता है? लख मड़िया कर एकठे एक रतीले पाए, जिवें कि लकड़ियां दे अंबार लाए होण, ढेरां दे ढेर लाए होण, उन्हां नूं केवल अग दी एक चिणग साड़ के सुआह कर दिंदी है। इसे तरह परमात्मा दे पवित्र नाम दी एक चिणग मनुख दे जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं, किलविखां नूं, कलंकां नूं दाह कर दिंदी है। सो उस प्रसंग दी इह कृपा है, कोट कलंक खिनमय मिट जाहे, ज़्यादा समां भी नहीं, एक क्षण दे विच। सब तो छोटा समा जो है गुरबाणी सिद्धांत के अनुसार वो है निमुख। तुम दाते ठाकुर प्रतपालिक, उस गुर शब्द के विच बख्शिश हुंदी है। निमुख निमुख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे। निमुख अख दे चमकण का समा, अख का केवल एक फोर निमख है। इन्ने थोड़े समय दे विच जेकर सुरती जुड़ जावे परमात्मा दे नाम दे नाल साडा कल्याण हुंदा है। टुकदम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए, एक थोड़े समय वास्ते सुरत जोड़ लवे गुरु कृपा सदका जे कोई जिज्ञासु जन परमात्मा दे नाम दे नाल उस ते कृपा हो जाती है। प्रभ की सरणी, पार ब्रह्म की सरणी पाहे, कोट कलंक खिनमय मिट जाहे। बेमुहताज पूरा पातशाह
अकाल पुरख वाहगुरु सर्वशक्तिमान है, उसनों किसे भी मुथाजी नहीं है। इसे करके परमात्मा निरभउ है, क्योंकि परमात्मा तो उपर होर कोई भी शक्ति नहीं है। परमात्मा के समान परमात्मा के बराबर भी कोई शक्ति नहीं है। सो डर उसनों होता है जिसके उपर कोई होर शक्ति होवे या जिसके बराबर की कोई होर शक्ति होवे। परमात्मा बेमुहताज हैं, पूरे पातशाह हैं, प्रभ सेवक साचा विसा। इस करके हे जग्यासु जन, जे तू उस प्रभु का सेवक बन के प्रवान होना है, सेवक बनन तो बहुत हैं संसार दे विच, कहन कहावन को कोई जित है, ऐसा ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत् जो को बित है। जे तू सेवक बन के परमात्मा की खुशी प्राप्त करनी है तो तेनों की करना पड़ेगा, साचा वेसा उस सच्चे पातशाह परमात्मा के उपर निश्चय अपना दृढ़ करना पड़ेगा। गुरु के उपदेश सदका मन दे दृढ़ता लैनी पड़ेगी कि परमात्मा है, परमात्मा सदबख्शिंद है, सद मेहरवान है। परमात्मा का नाम हिरदे रूपी घर दे विच उजागर हो सकता है, परमात्मा का नाम कल्याणकारी है। ऐसा निश्चय जदों बन जाए गुरु कृपा सदका, उदों सेवक प्रवान होते हैं परमात्मा के दर पर। हुण सिद्धांतक उपदेश आ गया, गुर पूरे राखे दे हाथ, किसने कृपा करनी है? जो सिखी सेवकी है सेवक जना दी, वह किसकी कृपा द्वारा परमात्मा ने प्रवान कर दी है? करनी है जैसा सतगुर सुनी दा, तैसो ही मैं डीठ, विछुड़िया मेले प्रभु हर दरगह का वसीठ। सतगुर दरगाह का वकील, दरगाह का विचोला, दरगाह का विश्व बनता है जदों, उदों सेवक जना की सेवा प्रवान होती है। गुर पूरे राखे दे हाथ, जिन्होंने परमात्मा की बख्शिश दिवानी होती है उन्होंने सतगुर पातशाह हथ दे के रखते हैं जीवन के, उन्होंने आत्मक जीवन बख्शते हैं। नानक पार ब्रह्म सम्राट, हे नानक पार ब्रह्म परमेश्वर समर्थ हैं, सर्वकला समर्थ हैं, पर उन्हां दी कृपा दृष्टि केवल ते केवल पूरे सतगुरु की कृपा सदका तेनू प्राप्त होनी है। सो इस गुरशब्द का जो सिद्धांत है वह बख्शिश होया, परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं, परमात्मा कल्याणकारी हैं, परमात्मा का नाम सतगुरु की कृपा सदका सानू प्राप्त होंदा है। परमात्मा का नाम जपते हुए असी परमात्मा के नाल अभेद हो सकते हैं, परमात्मा का नाम सानू जीवन मुक्ति की बख्शिश करता है। संसार के बाकी धर्म का कहते हैं मुक्तियां हैं पर मरण तो बाद प्राप्त होणगियां, केवल सिख धर्म कहता है नहीं, जीवन मुक्ति दे विच चारे ही मुक्तियां विदात दियां हन। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर ब्रह्म की सो जाने जरिया, जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया, जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया। जीवन मुक्ति दी बख्शिश गुरु साह संगत केवल ते केवल गुरसिखी दे विच बख्शिश कीती है सानू साडे गुरु साहिबान ने, बहुत वड्डी कृपा है। सिमरन वह प्रमाण हुंदा है जो मन करके कीता जाएगा, सिमरन करन दी बख्शिश केवल सतगुरु करदे हन। सतगुरु कोलों जे बख्शिश लैनी होवे, इको एक साधन है गुरसिखां दे कोल,
केवल अरदास करनी। एक नानक की अरदास जे तुद भाव सी, जे सतगुरु नूं चंगी लग जावे अरदास तां प्रवान हुंदी है। जे इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जांदा इफ्स एंड बट्स आर न्यूट्रल। जिथे जे आ गया उत्थे कोई कंडीशन लग गई, कोई शर्त लग गई, ला खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। सो उस ही प्रसंग दे विच सतगुरु की कृपा दे नाल परमात्मा का नाम की है उसकी सानू समझ आती है। उस नाम नू गुरमंत्र द्वारा साढ़े वास्ते वाहगुरु गुरमंत्र है किवें जपना है, वह सतगुरु पातशाह जी गुरबाणी के उपदेश राही कृपा दृष्टि करते हैं। जो अठे पैर परमात्मा के नाम जपन का उपदेश है वह मनुख चौथी अवस्था में पहुँच के बख्शिश प्राप्त कर सकता है। चार अवस्थावां केड़ियां नाम जपन दियां? पहली अवस्था उदम की अवस्था, अपने आप नाल बैठ के सतगुर पातशाह जी अगे अरदास करके नाम इस तरीके दे नाल जपना कि अपनी आवाज कन्नां नूं सुनाई देवे। पहला भी आपां विचार कर चुके हाँ, वाहिगुरु नूं ध्वनि उल्टा के जपना, वाहे गुरु, चार बाणियां, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जिहड़ी सुरती नाम विच ना जुड़दी होवे इस अभ्यास दे नाल वो सुते सुते सिद्ध जुड़ती है। ये जदों अभ्यास काफ़ी समय वास्ते कर लिता जाता है उदों स्वैचालकता बनती, उसनों कहते सैल्फ ऑटोमेशन स्टेज। फिर असी तुरते फिरते उठते बहते भी परमात्मा का नाम जपते हाँ, स्वैचालकता साढ़े अंदर बनती है नाम की। तीसरी अवस्था के मनुख कुदरत दे नाल अपनी सुरती नूं जोड़दा आया, कुदरत दे विच्चों नाम नूं महसूस करता है। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या, कुदरत दीआं ध्वनियां, पंछियां दा सवेरे चहकना, होर कुदरत दीआं जो आवाज़ां हन उन्हां दे विच्चों परमात्मा दा अनहद नाद सुनदा है। गगनमय थाल, रव चंद दीपक बने, तारका मंडल, जनक मोती, सारी कायनात ही परमात्मा दा नाम जपदी है। सो चौथी अवस्था नाम जपद्या जपद्या अभ्यास इन्ना ज़्यादा हो जाता है कि साढ़े मनुखा शरीर का हर एक जिंदा जागता जो कण है जिसनों अपना सैल कहते हैं वो एक्टिवेट होता है। ईच एंड एवरी सैल ऑफ द बॉडी गैट्स एक्टिवेटेड बाय नाम। उस अवस्था के फिर साड़ी एक जबान नहीं रही है नाम जपन वाली, अनेक अनगिणत जीवां की प्राप्ति हो जाती है, अनेक रसना मिल जाए नाम जपन के वास्ते। वह अवस्था है जिसनों गुरु साहब ने कहा गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे। उस अवस्था के फिर सौण के नाल जागण के नाल कोई संबंध नहीं रहा नाम जपन का। प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठत बैठत सोवत जागत हर त्याईये सगल अवरदा जीव। उपदेश है सारी उम्र परमात्मा का नाम जपना है, दिन ते रात परमात्मा का नाम जपना है, संसार कार विहार करदे होया भी परमात्मा का नाम जपना है। तो जदों कार विहार तो असी फुरसत लेंदे हाँ उदों भी परमात्मा का नाम सुरती जोड़ के जपना है। सो नाम जपन का उपदेश ही सानू गुरबाणी वार वार करती है, केवल नाम ही कल्याणकारी है। अकाल पुरख वाहिगुरु बख्शिश करन, परमात्मा का जो पवित्र नाम है उसकी साडे ते कृपा होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।